Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel देसी मॉम इन द वे का सबको सलाम। तो जनाब आज आ गई है वेरी डिफरेंट सी रेसिपी पिज्ज़ा पास्ता की। पिज़्ज़ा पास्ता के लिए मैंने पहले पास्ता बॉईल करने को रख दिया था, जिसमें पानी में मैंने डाला था नमक, ऑयल, और जब उसमें उबाल आ गया तो मैंने उसमें शामिल कर दिया था पास्ता। हमने पिज़्ज़ा पास्ता के लिए ले लेनी है कुछ बोनलेस चिकन, कुछ कैप्सिकम, हमने इसको इस तरह क्यूब्स में काट लेना है, और उसके बाद हमने बड़े खूबसूरत तरीके से इनको अच्छे अच्छे क्यूब्स कटिंग में करने के बाद अपने पास्ता में शामिल करने की तैयारी करनी है। तो जनाब यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर, बटर मैंने लिया है 1/4 के हिसाब से लिया होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी क्वान्टिटी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको मैंशन कर दूँगी। यहाँ मैंने बटर के साथ ऑयल भी लिया है, क्योंकि बटर जले नहीं इसलिए मैंने ऑयल भी इसमें शामिल किया है, और थोड़ा सा अच्छा सा हमें स्लीक सा लुक देने के लिए सिल्की सिल्की पास्ता को हमने ऑयल भी इसमें शामिल कर दिया है। बस जनाब फिर हमने सॉटे कर लेना है अपना 2 टेबल स्पून शामिल करके अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा सॉटे करेंगे हम बटर और ऑयल में, और उसके बाद हमने उसमें शामिल कर देनी है बोनलेस चिकन। आप चाहें तो ये सेम रेसिपी कीमे में भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको कीमा पास्ता पसंद है तो कीमा पास्ता भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास्ता में काफ़ी अच्छा बॉयल आ रहा है, और चिकन को मॉइस्ट और जूसी करने के लिए मैंने ढक दिया था और 5 मिनट के लिए पका लिया था। अच्छा जनाब अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेड चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, और पेपरिका पाउडर मैं यहाँ पे मैं शामिल करूँगी बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, और यहाँ पे इटालियन सीजनिंग भी मैं शामिल कर दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। पार्सली भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और यहाँ पे ट्विस्टिंग पार्ट टेरेगॉन लीव्स भी हम इसमें शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर की बारी आ गई है, ये सारी चीज़ें मैं 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से रेड चिली सॉस, सोया सॉस एडजस्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपको ज़्यादा चिली फ्लेवर पसंद है आप रेड चिली सॉस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सोया सॉस की क्वांटिटी 1 टू 2 टेबल स्पून इनफ रहती है। बाकी सॉल्ट इसमें हर ज़रूरत शामिल कर दिया जाएगा, और रेड चिली फ्लेक्स अगर आपको इस थोड़ा सा स्पाइसी करना है पास्ता को तो आप इसमें शामिल कर दें, और इसको कम से कम 5 मिनट सॉटे कर लें और अच्छे से पका लें। जब ऑयल ऊपर आ गया तो हम शामिल कर देंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम जो हमने क्यूब्स में कट किए हुए थे, आप चाहें जूलियन कट कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी। जूलियन चिकन को भी कट कर सकते हैं कटिंग में, और अपनी कैप्सिकम को भी अच्छी तरह सॉटे कर लेना है। और यहाँ पे आ गया है ट्विस्टिंग पार्ट, यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा सॉस इसमें शामिल होगा, इसकी जो हमारा पेस्ट बनाएंगे हम वो सब पिज्ज़ा सॉस की बेस पे डिपेंड करता है, इसीलिए मेरे पास्ता का नाम है पिज्ज़ा पास्ता। तो ये दूसरे पास्ता से डिफरेंट बनता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और ये बिल्कुल पिज़्ज़ा फ्लेवर देता है। आप चाहें तो ये वाली चिकन यहाँ पे स्टॉप करके आप उसमें पास्ता शामिल ना करें, आप एज इट इज़ इसको ऑलिव्स शामिल करने के बाद फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर भी डाल के, ऊपर चीज़ डाल के आप पिज़्ज़ा फ्राइज भी बना सकते हैं। तो ये बड़ी क्विक सी रेसिपी भी हो जाएगी कि आप इसे पिज़्ज़ा फ्राइज भी बना सकते हैं सेम चिकन से। चले जनाब हम आगे चलते हैं। हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ब्लैक ऑलिव्स, बहुत हेल्दी होते हैं, तो ब्लैक ऑलिव्स भी अपनी डाइट में ज़रूर हमको शामिल करना चाहिए। और अब हम इसमें ब्लैक ऑलिव्स भी शामिल कर देंगे, और उसको थोड़ा सा थोड़ी देर सॉटे कर लेंगे। ऐसा कर लेंगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा क्रंची भी ना रहे, और बहुत मज़े का इसमें फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है, और हम इसको अब जो है वो इतना हमने इसको बस कुक करना है कि बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो जाए ये कहीं। यहाँ पे हमने अपने पास्ता को ड्रेन कर लिया है, इसका एक्सेस वाटर निकाल दिया है और इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। अच्छा जनाब अब यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं क्रीम। आप चाहे तो इसी स्टेज पे आप मैदा इसमें शामिल कर सकते हैं, उसमें दूध डाल सकते हैं, तो आप इसको वाइट सॉस पास्ता भी बना सकते हैं। तो ये टिप्स और ट्रिक्स होती हैं एक पास्ता को कहीं और पास्ता कन्वर्ट करने में, जो कि हमें हमारे मूड के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए।
मेरा पिज्ज़ा पास्ता बनाने का मूड है तो मैं पिज्ज़ा पास्ता ही बनाऊंगी। और इतनी ज़बरदस्त सा ये हमारा, अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है हाफ ग्लास के अकॉर्डिंग दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ज़्यादा शामिल नहीं करना वरना फिर बहुत वो ज़्यादा टाइम ले लेगा। दूध शामिल करने के बाद हमने इतनी कंसिस्टेंसी तक इसको पकाना है कि थोड़ा सा हमारा दूध और एक जो ये बैटर सा रेडी हम लोग कर रहे हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, बस बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको रनी भी नहीं रखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस तरह हम लोग स्पून स्टिर करके ऐसी मदद से हमें आइडिया हो रहा है, हल्का हल्का हमारा जो दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो जब हमारा दूध जो है वो बिल्कुल स्लरी टाइप भी नहीं रहेगा और थोड़ा सा जो है वो अच्छा सा इसका फ्लेवर और इसकी शक्ल जनरेट हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह का नज़र आने लगेगा। और आप देख सकते हैं कि बबल्स शुरू हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें एंड में शामिल करूँगी, टेस्ट मैंने कर लिया था, मुझे नमक कम कर लग रहा था, पहले भी मैंने शामिल किया था, मैं यहाँ दोबारा शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे अपने हिसाब से इस स्टेज पर आप नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कितनी यमी और सिजलिंग सी हमारी चिकन की शक्ल आई है। चिकन, कैप्सिकम, ब्लैक ऑलिव्स बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स होते हैं पिज्ज़ा के, और पिज्ज़ा सॉस जब इसमें शामिल हो जाएगी तो ये कुछ रेडिश टोन का जो है वो हमारा मिल्क ऐड करने के बाद ये बैटर रेडी हो जाएगा। बस जनाब अब हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल फिनाले पे है, फाइनल स्टेजेस पे है। अब हमने जो अपना ड्रेन किया हुआ पास्ता था हम, अब आप देख सकते हैं ना कोई स्टिक हुआ ना कुछ भी हुआ, कोई स्टिकी नहीं है, बहुत मज़ेदार सा अलग अलग सेपरेट सेपरेट हमारा पास्ता है। और पेनी पास्ता को हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जनाब ये वाली रेसिपी एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, रेगुलर पास्ता से थोड़ी हटके है। और पिज्ज़ा पास्ता, आप पिज्ज़ा खाने का मूड नहीं हो तो आप ये पिज्ज़ा पास्ता बना के इंजॉय कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिक और बहुत ही डिलिशियस। डिलिशियस और टेम्पटिंग पास्ता रेडी करने के लिए मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको पास्ता कैसा लगा। और अगर कुछ हम इसमें इनपुट भी देना चाहते हैं तो अपना इनपुट भी दे सकते हैं। आप इसमें कॉर्न्स को शामिल ना करें तो बेहतर है, आप इसमें और वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी की शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पिज्ज़ा फ्लेवर ऑथेंटिक चाहिए तो यही फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।